नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज दो हम फेवरेट बाइकों का कंपेरिजन करने जा रहे हैं दोस्तों। एक तरफ होगी आपकी होंडा एसवी 160, तो दूसरी तरफ होगी बजाज पल्सर। दोस्तों बजाज पल्सर में जो गाड़ी है उनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है और बजाज ने बहुत ही अच्छा काम किया डेवलपमेंट पर। तो आज के डेट में बजाज की बहुत ही अच्छी गाड़ी मॉडल लेकर निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की बजाज की गाड़ी होगी NS160। दोस्तों पहले बात करें इनके रेट की, तो दोस्तों बजाज पल्सर NS160 का प्राइस जो 1.46 लाख तक जाता है। उसके बाद में होंडा एसवी 160 का 1.17 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि सिंगल डिस्क का प्राइस है। दोस्तों दोनों ही गाड़ियां जो है 160 सीसी के रेंज में आती हैं और दोनों ही गाड़ियां जो है बहुत ही बेहतरीन है, BS6 के साथ में आती हैं। दोस्तों जहाँ तक बात करें इनके रेटिंग की, तो दोनों को 4 स्टार एंड 4.5 स्टार मिला हुआ है, यानी कि गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही बढ़िया हैं, बैलेंस्ड हैं। दोस्तों जहाँ तक बात करें इंजन टाइप की, तो आपका पल्सर NS160 में ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क 4 वॉल्व FI DTSI इंजन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ होंडा एसवी 160 में 4 स्ट्रोक SI इंजन देखने को हमें मिलता है। दोस्तों मैक्सिमम पावर पल्सर NS160 की 17.2 PS की होती है एट 9000 RPM, जबकि होंडा एसवी 160 की पावर जो है 13.4 PS की होती है 7500 RPM। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ तक बात करें SV160 में आपको रेड कलर देखने को नहीं मिलता है, वहीं आपको NS160 में ब्लू कलर देखने को नहीं मिलता है। NS160 के कलर हैं वो रेड, ग्रे, वाइट एंड ब्लू कलर, ब्लैक कलर। उसके बाद में SV160 में ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लू कलर देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं और रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के व्हील साइज हैं वो 431.8 mm का देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट और रियर दोनों में समान है और दोनों गाड़ियों में सेम ही देखने को मिलता है। दोस्तों जहाँ तक बात करें व्हील टाइप की, तो इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो किक और सेल्फ से स्टार्ट होती हैं, ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट पॉइंट है। यहाँ एक तरफ की गाड़ियों में आपको किक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पल्सर NS160 में और SV160 में दोनों में आपको किक देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव जो है NS160 में देखने को मिलता है, इसमें डुअल चैनल नेविस देखने को मिलता है, जबकि SV160 में सिंगल चैनल नेविस देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में स्पीडोमीटर और डिजिटल देखने को मिलते हैं और दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का जो है परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और माइलेज भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें इंजन डिस्प्लेसमेंट की, तो पल्सर NS160 में 160.3 cc का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, वहीं SV160 में 162.71 cc का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों मैक्सिमम पावर की बात करें, तो आपका SV160 में 13.4 PS का मैक्सिमम पावर होता है 17500 RPM, जबकि NS160 में 17.2 PS का होता है 9000 RPM पर। दोस्तों मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो SV160 में 14.5 Nm का टॉर्क होता है 1550 RPM, जबकि पल्सर NS160 में 14.6 Nm का होता है 7250 RPM। दोनों ही गाड़ियाँ एमिशन BS6 2.0 पर आधारित है। दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल से ही चलती हैं। फ्रंट में बताया मैंने, फ्रंट में डिस्क है और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो दोनों ही गाड़ियाँ ब्रेकिंग के मामले में बहुत ही अच्छी होती हैं। जहाँ तक से दोस्तों माइलेज की बात करें, तो वहाँ पर SV160 थोड़ा सा आगे रहती है और माइलेज के मामले में बजाज पल्सर NS160 की तुलना में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जो माइलेज है ओवरऑल माइलेज 160 का 65 किलोमीटर। दोस्तों BS6 गाड़ियाँ जो है वो एटमोसफेयर के बहुत ही बढ़िया होती है, जो माइलेज है वो एमिशन पर आधारित होती है, गवर्नमेंट के नॉर्म को कंप्लीट करती है। दोस्तों जहाँ तक टायर के साइज की बात करें, तो NS160 में 100/18-17R का टायर फ्रंट देखने को मिलता है, जबकि रियर का 130/70-17 का टायर देखने को मिलता है। SV160 में फ्रंट का टायर जो 80/100-17 देखने को मिलता है, जबकि रियर का 130/70-17 देखने को मिलता है। दोस्तों व्हील साइज की बात करें, तो सर चारों ही व्हील, दोनों बाइकों के दोनों व्हील सेम होते हैं, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों बाइकों में 43 431.8 mm का देखने को मिलता है। दोस्तों टायर ट्यूब की, टायर की बात करें, तो दोस्तों दोनों में ट्यूबलेस टायर हमें देखने को मिलते हैं, एलॉय व्हील होते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो लेंथ बिल्ट LWH का जो रेशियो है वो NS160 में 217/804-1060 में देखने को मिलता है, तो वहीं SV160 में LWH जो है वो 2061/786/11/13 mm देखने को मिलता है। व्हील बेस की बात करें, तो दोस्तों NS160 थोड़ा बाजी मारते हैं, इसमें व्हील बेस 1372 mm का देखने को मिलता है, वहीं SV160 में 1347 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। दोस्तों लेंथ की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका NS160 की लेंथ है वो 217 mm होती है, जबकि SV160 की लेंथ 2061 mm होती है, यानी कि एक की लेंथ 2017 mm है और एक की लेंथ 2061 mm है, यानी कि SV160 जो है वो
लेंथ के मामले में आगे निकल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी एसपी 160 बाजी मारती है 170 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, जबकि एनएस 160 जो है 170 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। दोस्तों बिट की बात करें तो एसपी 160 जो है 786 एमएम होती है, और जबकि बजाज पल्सर एनएस 160 की बिट जो है 804 एमएम होती है। यानी कि बिट के मामले में आपका एनएस 160 ज़्यादा चौड़ी होती है, यानी एसपी 160 जो कम बिट में आती है, यानी कि उसको आगे रास्ते एसपी का रास्ता जो है वो छोटा चाहिए उस पर एनएस 160 की तुलना में। फ्यूल कैपेसिटी बात करें दोनों में सेम फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलती है, यानी कि 12 लीटर का फ्यूल टैंक दोनों में देखने को मिलता है। कर बिट की बात करें तो एनएस 160 जो है थोड़ा सा हैवी है, यानी कि 152 kg की है, जबकि एसपी 160 139 kg की है। दोस्तों टेल लाइट की बात करें दोनों में ही LED टेल लाइट देखने को मिलती है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें दोस्तों तो एनएस 160 में 300 mm का फ्रंट डायमीटर देखने को मिलता है, जबकि एसपी 160 में 276 mm का फ्रंट डायमीटर ब्रेक डायमीटर देखने को मिलता है। रियर ब्रेक की बात करें दोस्तों तो एनएस 160 में 200-300 mm का रियर ब्रेक डायमीटर होता है, जबकि एसपी 160 में 220 mm का रियर ब्रेक डायमीटर होता है। दोस्तों कुछ स्पेशल फीचर की बात करें, यानी कि एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो दोस्तों एनएस 160 में गियर पोजीशन इंडिकेटर, टर्न बाय टर्न नेविगेटर, उसके बाद में फ्यूल इकोनॉमी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वाले इंडिकेटर होते हैं, जबकि एसपी 160 में देखेंगे 1000 सीट लेंथ 594 mm और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी हमें एसपी 160 में देखने को मिलता है। दोस्तों जहाँ तक बात करें टर्न सिग्नल लैंप जो है वो दोनों ही गाड़ियों में LED देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ सबसे फीचर के बारे में। ABS की बात करें तो NS 160 में ड्यूल चैनल ABS होता है, जबकि SP 160 में सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। दोस्तों बॉडी जो है दोनों की जो है वो स्पोर्ट बाइक है, लेकिन NS 160 जो स्पोर्ट नेक्ड बाइक की कैटेगरी में आती है, जबकि SP 160 स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में आती है। दोस्तों दोनों में आप देखोगे तो किक और सेल्फ दोनों ही मिलते हैं। बॉडी ग्राफिक्स की बात करोगे तो आपके एसपी 160 में बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि पल्सर एनएस 160 में नहीं देखने को मिलते। सीट जो है वो एनएस 160 की स्प्लिट सीट होती है, जबकि एसपी 160 में आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। दोस्तों दोनों बाइकों में डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों एवरेज फ्यूल इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग लैंप, क्लॉक जैसे बहुत ही अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। पैसेंजर फुटेज दोनों गाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा आपका ऑडोमीटर भी डिजिटल दोनों में देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर वारंटी, तो यहाँ पर आपका एसपी 160 3+7 की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है, यानी 3 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी और 7 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिलती है एसपी 160 में, और जबकि आपका एनएस 160 में स्टैंडर्ड वारंटी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे एक बाइक जो है नेक्ड है और एक बाइक जो है वो नॉर्मल है, यानी कि दोनों ही बाइक स्पोर्ट्स की हैं। जहाँ तक बात करें एसपी 160 का तो उसका जो माइलेज है वो एनएस 160 ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जहाँ तक दोस्तों बात करते हैं वेट की तो आपका एनएस 160 से भारी है, यानी कि वेट में ज़्यादा होती है, यानी कि राइडिंग में बैलेंस रहता है, लेकिन उसकी वजह से उसका एवरेज भी कम हो जाता है। जहाँ एक तरफ मेंटेनेंस हाई होता है होंडा का, तो उस तरफ आपका बजाज का मेंटेनेंस जो है थोड़ा सा लो पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होंडा की बाइक बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन बजाज पल्सर की बाइक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, यानी कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कंप्लेन किए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।